जब आदिपुरुष वालों को डायलॉग्स के लिए लोग सुनाने लगे कि डायलॉग्स एकदम छप रही हैं, ये एकदम मैच नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करके देंगे। पहले तो ऐसा लगा कि ये एक फेक प्रॉमिस है और ऐसा नहीं होने वाला है, पर उन्होंने एक्चुअल में कुछ डायलॉग्स को चेंज किया है। तो चलिए एक एक करके सारे डायलॉग्स को देखते हैं जिनमें चेंजेस हुए हैं। सो वेलकम टू विजुअल अनरैवलर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस डायलॉग की बात करते हैं, जो हनुमान जी का बाप वाला डायलॉग था, जो इंद्रजीत से बोलते हैं लंका जलाने से पहले। तो ओरिजिनल डायलॉग था, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब इन्होंने इसको चेंज करके कर दिया है, कपड़ा तेरी लंका का, तेल भी तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका की। मेरे हिसाब से इस डायलॉग में बहुत स्लाइट चेंज देखने को मिलता है और कुछ खास नहीं लगता है और हंसी और आती है। फिर डायलॉग नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो ओरिजिनल डायलॉग था, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया है, और इसको इन्होंने चेंज कर दिया है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाक को समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डायलॉग को थोड़ा सभ्य बनाने के लिए वर्ड समाप्त का यूज किया गया है। इसी तरीके से डायलॉग नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो था, तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी है कौन हूँ मैं। ये ओरिजिनल डायलॉग था, पर इसका चेंज्ड वर्जन है, तुम अंदर कैसे घुसे, तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं। फिर से तू की जगह तुम यूज़ कर लिया है, क्योंकि इससे थोड़ा सभ्य फील होगा। फिर हमारे लास्ट डायलॉग में हनुमान जी का एक और डायलॉग देख लेते हैं, कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। इसको इन्होंने चेंज किया है और इसको कर दिया है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका जला देंगे। तो देखा जाए तो चारों डायलॉग्स को देख के ये पता चलता है कि बहुत ही छोटे छोटे और स्लाइड स्लाइड चेंजेस हैं, और उनको सुनने के बाद कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वाह क्या मास्टरपीस वाले डायलॉग्स कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि बस उनके ऊपर थोड़ी मरहम पट्टी कर दी है और बस स्लाइड चेंजेस किए हैं। लास्ट में जाते जाते हमारे पास यही क्वेश्चन रह जाता है कि इन कुछ डायलॉग्स को चेंज करना क्या इनफ है, क्या मूवी में और कमियाँ नहीं हैं। पर ऐसा अब हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जब 6 महीने लेके कुछ चेंज नहीं कर पाए, उन 6 महीने में बस यही सोचते रहे कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, मूवी को मार्केट किया जाए, उसको बेचा जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ भी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बचती है। तो आप बताइए नीचे कमेंट्स में, क्या इन डायलॉग्स के चेंज होने के बाद आप इस मूवी को दोबारा जाना या पहली बार जाना पसंद करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।